हेलो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है नई दिशा। सुमन दौड़ते हुए पूनम के घर पहुंची। आज स्कूल में समूह गान के लिए जल्दी जाना था। 26 जनवरी के दिन उनकी कक्षा प्रमुख अतिथि के सामने गाना सुनाने वाली थी। पूनम बहुत मनाने के बाद रोज स्कूल आ रही थी। बात ऐसी थी कि गांव का स्कूल बस 7वीं कक्षा तक था। आगे पढ़ने के लिए बच्चों को बस से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता था, मगर पूनम को सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वह उदास थी। पढ़ाई में अव्वल होने पर भी अगले साल स्कूल न जाने की बात उसे सता रही थी। 26 जनवरी का दिन आया। इस बार उनके स्कूल में प्रमुख अतिथि को देखकर सारे बच्चे दंग रह गए। उनकी अतिथि गांव की पहली महिला सरपंच थीं। सरपंच महोदया के हाथ से ही ध्वजारोहण हुआ। एक महिला के हाथों हुआ ध्वजारोहण देखकर लड़कियों ने गर्व महसूस किया। अपने भाषण से तो उन्होंने सभी बच्चों का मन जीत लिया। सबसे ज़्यादा खुशी सुमन को हुई, क्योंकि सरपंच महोदया ने आगे की कक्षाएं गांव में ही शुरू करने की घोषणा की थी, वह भी अगले साल से। तो अब किसी को न दूर जाना था, न किसी के स्कूल छूटने का डर था। दूसरे दिन पूनम सुमन के आने से पहले ही तैयार थी। अब उसके सपने तिरंगे के साथ ऊंचे आसमान में लहरा रहे थे। तो बच्चों, ये बताओ, ध्वजारोहण देखकर लड़कियों ने गर्व महसूस क्यों किया? और ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।